मैम लगभग 3 दहाकों तक तुसी काम किया, नौकरी की है, हाँ जी तुहानू कदे ये महसूस होया कि एक औरत लई कामकाजी औरत लई परिवार ते नौकरी जिहड़ी है वो ज़्यादा मुश्किल हुंदी है, जे खास करके कल्ली औरत है उहदे लई? कल्ली औरत लई भी ते जिहड़ियां औरतां विद फैमिलीज ने सारिया लई औखा है। पर मैं रणदीप जिन्ने साल भी जॉब कीती है एज ए प्रोफेसर एज ए प्रिंसिपल, मैं अपनियां स्टूडेंट्स नूं हमेशा ही ये सिक्ख्या दित्ती है कि तुसी जॉब करनी है, औखे हो सौखे हो। एक जिहड़ी लेडी है लड़की है वो MPhil कर ली PhD कर ली, तो उन्हें अपने उसके हस्बैंड ने कहा कि नहीं तू नौकरी रहन दे कर। कई आप वीडियोज़ भी देखते हाँ, वैसे भी जिंदगी इदा के बड़े केसिस आते हैं, तो वह बैठ के कर ओके जी ठीक है जी मैं नहीं करती। तुसी देखो कि कुछ समय बाद वो माइंड च जरूर आएगा क्या ही मेरे पेरेंट्स ने इन्ना पढ़ाया, मैनू इन्ना पैसा भी लगता है स्टडी जी के। इस करके जॉब औखी जरूर है क्योंकि दूरी चक्की च पिसन लग गई। जी मैं तो कहनी हुनी हाँ कि कुछ तां काम असी अपने सिरे ते आप लै ले। फॉर एग्जाम्पल अड्डियां चुके फा लिया हाँ बिल्कुल सही, आपां सिलेंडर दी गल है, सिलेंडर कई बार जाके भरवाना पैंदा ना, रजिस्ट्रेशन करवानी पैंदी है। जी उत्थे लेडी कह गई तुसी ना जायो, जिहड़े जेंट्स की लाइन लंबी हुंदी है मैं ही चली जाती हाँ। अगले दिन हस्बैंड कहिंदा आउंदे हो सिलेंडर भी रिक्शे ते रख लिया, तू जे तेनू बुकिंग करानी आ गई है ते तो वह भी ले लै लिया। आई। पेरेंट्स की मीटिंग ते तुसी जॉब ते जाओ, मैं हाफ डे लैके ते स्टूडेंट्स अपने बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग ते मैं चली जाती हाँ। कुछ गल्लां तां ना आप ही सहेलदियाँ कि आए हस्बैंड आए लेडी भी आई जॉब करके, अच्छा पानी कोई नहीं कोई नहीं तुसी बैठो मैं पानी लियानी हाँ, वो भी वो लिया दिन फिर की है, वो भी थक के आए नहीं तुसी भी थक के आए हो। मतलब औखा तो है जॉब करनी और नाल घर सांभना ये औखा है, जी पर फिर भी मैं यही कहांगी कि जे तुसी पढ़े हो तो तुहानू जॉब करनी चाहिए है, क्योंकि तुहाडी अपनी कमाई जिहड़ी है उहदे विचों घट्टो घट कुछ अपनियां ख्वाहिशां कुछ बच्चों दियां ख्वाहिशां जी वो तुसी पूरियां कर सकते हो, तुहानू वार वार हाथ नहीं अड्डना पैगा। मैं ना थोड़े दिन पहले मनप्रीत महनाज का एक लेख पढ़िया, वो कहिंदे कि असी ना कदे जे काम कर रहे हाँ तो माँ लई कदे मदर्स डे ते कोई गिफ्ट लै लिया है, उन्होंने सूट लैके दिता, सानूं लगता कि असी माँ लई बहुत करता है ना, पर माँ साडे लई किन्ना कुछ करदी है सानूं कदे ध्यान च नहीं हुंदा। पर इत्थे एक दूसरी जिहड़ा पक्ष है वह भी तो आता है कि वह कह देंदे कि वी धियां तो नहीं लैणा, धियां का खा के कितने जावे, है ना, ये बारे च की कहना चाहोगे? नहीं जी देखो मैं तो ये बिल्कुल इस गल के खिलाफ हाँ, मैनू आ गुस्सा इस गल पर कि धियां का नहीं खाना तो फलाने का खाना है, तो पुत्र खवाए ना धी का खाओ ना, पेरेंट्स कितने जाएंगे क्यों नहीं खाना धी का, धी नू जन्म दिता है धी नू पढ़ाया है धी नू स्टैंड किया है। तो हूँ मैनू लगता कि गल्लां हूँ नहीं हैगियां, सोसाइटी बहुत चेंज होगी, एजुकेशन ने बहुत कुछ चेंज कर दिता है, और ये हुण गल नहीं है कि धियां दा नहीं खाना। असी धियां हो के अपने मदरस नूं फादरस नूं कोले रखे अपने और जिन्नी कर सकते सी सेवा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कीती है, जी और अपने बच्चों ने भी सिखाया कि रिस्पैक्ट योर एल्डर्स, नाना होवे नानी होवे दादा होवे दादी होवे उन्हें रिस्पैक्ट करो जी।